गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द व्लॉग। और जैसे ही आपको पता पड़ गया होगा मैं घर के कौन से हिस्से में हूँ, जैसे कि पीछे की बाल के बाहर ही भयंकर धूप जिससे मेरी आंखें नहीं खुल रही है। तो दिन की शुरुआत करते हैं। टुडे इज 24th of November और आज हो रहा है वीक का सेकेंड डे, मतलब ट्यूजडे। और आशा करता हूँ आप सबने आपका जाने वाला जो वीकेंड है बहुत इन्जॉय किया होगा जैसे कि मेरी तरह। और जिस वीकेंड पे आप सबने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आशा करता हूँ नए वीकेंड का आपका भी कोई ड्यूर होगा। और मेरा तो वीकेंड क्या अगले मंथ तक का ट्यूर है, क्योंकि इतना प्लानिंग चल रहा है सब कुछ। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मुझे अटेंड करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप सबकी बहुत सारी प्लानिंग होगी और आप सबने बहुत सारा प्लान किया होगा कि आपको कौन सा ड्रेस पहनना है, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ पर रुकना है, क्या करना है। और मैं प्लान कर रहा हूँ अपने खुद के हिसाब से, कोई स्पॉन्सर नहीं क्या इसमें, मैंने अपना दिमाग लगाया सारा कि मैं कौन सा ड्रेसअप करूँगा क्या नहीं करूँगा। और आने वाले टाइम में करेंगे बाकी सबका काम, जो हमारा काम है थोड़ा बहुत किसी और लोगों को दे देंगे जो कि वो सब प्लान कर देंगे। और उसमें उन लोगों को आपने देख भी लिया है फ़ोन में, इसलिए उन लोगों को मेरे चैनल पर देख लिया है, तो वही सारा प्लान करेंगे कि मेरा रेजिडेंसी का हमारा कहाँ रहेगा सब कुछ। तो दिन की शुरुआत होगी और इसी बीच मेरे रूम को टोटली कवर कर दिया है और अभी मुझे वहाँ जाने व्लॉग करने का तक का भी टाइम नहीं मिल रहा है। और बड़ी उम्मीद है मुझे कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मेरे रूम के अलावा कहीं अच्छा भी नहीं लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ क्या बताओ आपको। तो अभी सीधा चलते हैं मंदिर और सीधा वहाँ जाके ही मिलते हैं। फाइनली गाइस आ गया हूँ मैं मंदिर, और मंदिर दर्शन करने के बाद अलग ही सुकून लगता है। और पूरा दिन से सच में आज सुबह सुबह इतनी टेंशन हो गई थी मुझे, क्योंकि रूम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, सारी लोकेशन मुझे कहाँ पे क्या करना था वो थोड़ा सा 19-20 हो रहा था। फिर मेरे को आया दिमाग कि जो मैंने सोचा है वही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो आप सोचते हो अगर वही करने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। फिर इससे ये भी सीखा कि हाँ अपनी बातों पर और अपने इरादों पर टिके रहो, आज नहीं कल सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस बात को करते हैं यहाँ पे विराम और सीधा जाते हैं जल्दी से शॉप पे। और फ़ोन में 5% बैटरी और मैं जैसे तैसे ब्लॉक कर रहा हूँ, तो सीधा मंदिर से घर जाते हैं और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और बताते हैं बर्थडे के गिफ्ट। फाइनली सब खाना वाना सब हो गया और मैं आ गया हूँ वापस शॉप पे। और खाना इसलिए मैंने जल्दी खा लिया क्योंकि हसन भाई और उन सबको भी खाना था और दुकान पे थे कस्टमर, तो मैंने कहा कि अपन खाना खा लेते हैं। और अब पापा मम्मी के खाने का टाइम हो गया तो वो भी खाना खा लेंगे। और अब बाल बिल्कुल भी कटाने की इच्छा नहीं, क्योंकि जिस जैसे मुझे चाहिए वैसे अब लगभग बनने लग गए हैं बाल। और अब हटेंगे शॉप पे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम शॉप पे देना ही पड़ेगा क्योंकि अपन को बाहर जाना है, मतलब बाहर जाना मेन चीज़ है। ऐसा नहीं अगर मैं अभी टाइम दूंगा तो फिर पापा आए उनके बाद चलो ठीक है, अभी अभी इसने शॉप का संभाला है, मेनटेन किया है, तो अभी अगर एक दो दिन के लिए अगर वो छुट्टी लेता है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, तो वही अच्छा इंप्रेशन बनाना जरूरी है, तो ही जाके छुट्टियाँ मिलेगी और अगला वीकेंड टूर हो पाएगा। तो अभी खाना वाना खाने के बाद अब थोड़ा सा करेंगे शॉप पे बैठ के रेस्ट और देखेंगे और जीवन में क्या क्या नए नए किस्से होते हैं। तो भी एक्टिव और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिस तरीके से दूसरे लोग प्यार दे सकते थे आप भी दे सकते हो, आप भी तो मेरे अपने हो और जुड़ जाइए यश पंचाल व्लॉग्स की फैमिली के साथ। और इंस्टाग्राम पर मैंने अपना प्रोफाइल हैंडल जो है इसलिए यूज़र आईडी जो है वो कर दिया है चेंज, और वो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा ओनली ऑन यश पंचाल ब्लॉग्स। तो बी एक्टिव ऑन दैट, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अभी नई नई रील्स हिम्मू के साथ है जो डाल रहा हूँ और कुछ मेरा भी कंटेंट आने वाला है तो उस पे भी हम करेंगे काम। तो बी एक्टिव एंड बी अवेयर कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो देखे। और सैमसंग का सबसे प्लस पॉइंट बताऊँ, ये मैं आपको ब्लर दिख रहा हूँ तो बस ये थोड़ा सा है जो कभी कभी यूज़ करते हुए पता पड़ता है। फाइनली गाइस अभी फ्री बैठे हुए मेरे घर वाले मुझे देखना नहीं चाहते और अभी मैं जा रहा हूँ ऋषभदेव, और ऋषभदेव जाना है और मुझे आ रही है मौत। और क्या कहना चाहोगे? क्यों बर्थडे के दिन ले गया था? तो क्यों नहीं ले गया था? तू आया था ब्लॉग में, कहीं भी आया हूं मैं। वो छुपा के रखा है, छुपा के रखा है।
छुपाना जरूरी है। तो अभी मुझे जाना है ऋषभ देव, और कुछ काम भी है थोड़ा बहुत, और शॉप करो पे भी जाना है, और कुछ बर्थडे गिफ्ट का कुछ चल रहा है, तो वो सब। गाइस वापस आ गया हूँ शॉप पे, और बहुत ज़्यादा ही मिट्टी है, रोड बहुत ज़्यादा ही गंदा है, और अभी तो क्या ही बताओ आपको, आधी एक सनसीनी खबर आ गई है, तो उस बारे में डिस्कशन चल रहा था, और पापा के घर के अंदर घर का काम जैसे चल रहा वो सब देखने के लिए, और मैं आ गया हूँ शॉप पे। शॉप पे अब देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ हिसाब है उसको करना है, तो वो हिसाब हिसाब करते हैं, फिर फ्री होते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में कुछ खाली है तो उसे भरते हैं, उसको काम है जो करें। और कुछ नया स्टॉक भी आ गया है गोल्ड का, तो वो भी आप आके अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि गोल्ड जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मैं सब जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है उन सबसे यही चाहूँगा कि वो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जहाँ पे भी करना चाहें, तो अभी मैं कुछ काम है वो कर देता हूँ और वापस मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली आ गया हूँ मैं रूम में, और अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे पता नहीं फीवर जैसा हो रहा है और हालत ख़राब हो रही है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चुपचाप रूम में आया और चुपचाप सो गया हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग भी एंड नहीं करा, व्लॉग बड़ा भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी चल रहा था, और व्लॉग भी इतना शूट मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे भी है कि व्लॉग में कुछ चेंज करूँ, और व्लॉगिंग में भी चेंज कर रहा हूँ मैं अपना पैटर्न, और पर बहुत मुझे ही ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत मेरा क्रिएशन मेरा कंटेंट बहुत सिंपल और नॉर्मल जा रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कल से आपको सच में पूरा चेंज दिखेगा, क्योंकि पूरा ऑल टाइम में इससे मैक्सिमम टाइम अभी घर का काम चल रहा है, तो शॉप पे भी दे नहीं पाता हूँ, और व्लॉग भी नहीं सेट हो पा रहा है, और पूरा टाइम घर पे ही रह पाता हूँ, तो उस चक्कर में घर का शूट अभी ले भी नहीं रहा हूँ, और इमरजेंसली मुझे कहीं पे बाहर भी जाना होता है, तो फिर किसी ना किसी काम की वजह से जाना पड़ता है, और वो सब भी शूट नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए बहुत सारी माफ़ी, आशा करता हूँ आज तक का इतना व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लव यू गाइस, मिलते हैं किसी अच्छे से नए व्लॉग में।